कुछ दिन से जहांगीर पीरान दरगाह के पास साफ सफाई और आवाम को दरपेश परेशानियों का मसला जेरे बहस था। वहां के जायरीन और दुकानदारों ने वक्फ बोर्ड के अहदेदारों से वहां पर आवाम की परेशानियों को दूर करने की अपील की थी, जिसके तहत आज बतारीख 1 दिसंबर को वक्फ बोर्ड के DSP ख्वाजा मोइनुद्दीन और शादनगर RDO राजेश्वरी ने तारीखी दरगाह जहांगीर पीरान का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर JP दरगाह में मौजूद हालात का जायजा लिया और मुकामी लोगों को तहखुन दिलवाया कि वहां पर जल्द से जल्द तरक्याती काम किए जाएंगे, ताकि वहां पर आने वाले जायरीन को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो सके। इस मौके पर अवाम ने उन्हें दरपेश मसाइल से भी तलब करवाया, जिस पर अवाम ने बताया कि वहां पर हुकूमत की जानिब से 36 सैनिटेशन के अमले को मुकर्रर किया गया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 वर्कर्स ही झाड़ू दे रहे हैं, जिससे वहां पर कचरे और गंदगी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस मौके पर वक्फ बोर्ड DSP ने तमाम को मसाइल की जल्द से जल्द एक्सुई का तहखुन भी दिलवाया। इस तकरीब में नए TRS कायदीन और दिगर गांव के सरपंच, वहां के कारोबारी और अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कुछ दिन से जहांगीर पीरान दरगाह के पास साफ सफाई और अवाम को दरपेश परेशानियों का मसला जेरे बहस था। वहां के जायरीन और दुकानदारों ने वक्फ बोर्ड के अहदेदारों से वहां पर अवाम की परेशानियों को दूर करने की अपील की थी, जिसके तहत आज बतारीख 1 दिसंबर को वक्फ बोर्ड के DSP ख्वाजा मोइनुद्दीन और शादनगर RDO राजेश्वरी ने तारीखी दरगाह जहांगीर पीरान का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर JP दरगाह में मौजूद हालात का जायजा लिया और मुकामी लोगों को तहखुन दिलवाया कि वहां पर जल्द से जल्द तरक्याती काम किए जाएंगे, ताकि वहां पर आने वाले जायरीन को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो सके। इस मौके पर अवाम ने उन्हें दरपेश मसाइल से भी तलब करवाया, जिस पर अवाम ने बताया कि वहां पर हुकूमत की जानिब से 36 सैनिटेशन के अमले को मुकर्रर किया गया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 वर्कर्स ही झाड़ू दे रहे हैं, जिससे वहां पर कचरे और गंदगी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस मौके पर वक्फ बोर्ड DSP ने तमाम को मसाइल की जल्द से जल्द एक्सुई का तहखुन भी दिलवाया। इस तकरीब में नए TRS कायदीन और दिगर गांव के सरपंच, वहां के कारोबारी और अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी।